हेलो स्टूडेंट, आई एम नीलम फ्रॉम HGTB स्कूल NH9 डिंग रोड सिरसा स्टूडेंट. दिस इज योर हिंदी क्लास. ओपन योर हिंदी रीडर बुक. स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 आपस का मेल. किसी घने जंगल में एक तालाब था. उस तालाब में एक बूढ़ा कछुआ रहता था. तालाब के किनारे एक बड़ा पेड़ भी था. तालाब में कौन रहता था? एक बूढ़ा कछुआ. और पास में क्या था? एक पेड़. पेड़ पर एक कौवा रहता था. पेड़ की जड़ के में एक चूहे का बिल था. पेड़ के पास में ही एक झाड़ी थी. क्या था? पेड़ पे कौन रहता था? कौवा. और साथ में पेड़ के नीचे बिल में कौन रहता था? चूहा. और साथ में एक झाड़ी में एक उसमें एक हिरन रहता था. उन चारों में पक्की दोस्ती थी. वे चारों जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते थे. बेटा देखो, जैसे आपके नेबर में, आस पड़ोस में जो आपके फ्रेंड्स रहते हैं, जो लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो आपकी हम उम्र के हैं या कोई है, तो आपस में दोस्ती हो जाती है ना, तो वो मुसीबत में या वैसे भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना. इस तरह वो पशु पक्षी भी इकट्ठे होके मित्र की तरह रहते थे, मित्र बन के रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे. वे प्रतिदिन शाम को तालाब के किनारे इकट्ठे होते और दिन भर की घटनाओं के बारे में आपस में बातें करते. इस तरह उनके दिन बड़े मजे से बीत रहे थे. क्या होते थे वो? सारा दिन, हर रोज वो शाम को तालाब के किनारे इकट्ठे होते और दिन भर में जो भी बातें घटनाएं होती आपस में बातें करते, जैसे आप करते हो अपने दोस्तों के साथ. एक दिन चूहा, कौवा और कछुआ कौवा एक दिन चूहा कौवा और कछुआ तो तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए. कौन कौन? चूहा, कौवा और कछुआ तो इकट्ठे हो गए, लेकिन हिरन नहीं आया. वे तीनों बहुत देर तक हिरन की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन वह नहीं आया. किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? हिरन की. पर फिर भी वो नहीं आया. तब कौवा बोला, आप लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ कि हिरन कहाँ रह गया. तो तब किसने बोला? कौवे ने बोला कि आप यहाँ रुको, मैं देख के आता हूँ. क्योंकि कौवा उड़ सकता है, तो वो उड़ के मिनट में देख के आ जाएगा, इसलिए वो कहता है आप रुको, मैं देख के आता हूँ. इतना कहकर कौवा उड़ गया. वह दूर तक उड़ता चला गया. कुछ समय बाद उसे हिरन एक जाल में फंसा हुआ दिखाई दिया. किसमें फंसा हुआ? हिरन कहाँ था? जाल में फंसा हुआ था. पास में एक शिकारी सोया पड़ा था. हिरन बहुत घबराया हुआ था. वह जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था. क्या हुआ बेटा? क्योंकि वो मुसीबत में था, हिरन ने उसको जाल में फंसा लिया था. तो वो जब भी कोई भी फंसता है, कोई मुश्किल में पड़ जाता है, तो वो घबरा जाता है ना. जैसे आप हम में कोई मुश्किल में पड़ जाए तो हम भी घबरा जाएंगे. तो क्या हुआ, वो जाल में से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि जाल पक्का था. कौवा उड़ता हुआ नीचे हिरन के पास आया और बोला, मित्र तुम घबराना मत, मैं शीघ्र ही तुम्हें जाल से छुड़ाने के लिए कुछ करता हूँ. तो उसने उसको तसल्ली दी. कौवे ने उसको आके बताया भी तुम घबराओ मत, हम जल्दी ही तुम्हें यहाँ से निकालने का कुछ करते हैं. इतना कहकर कौवा उड़ गया और अपने मित्रों के पास आया. कहाँ आ गया? मित्रों के पास. सलाह करते हैं ना हम कैसे बचाएं. उसने चूहे और कछुए को सारी बात बताई. तीनों ने मिलकर एक उपाय सोचा. फिर कौवे ने चूहे को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ गया. क्या किया उसने? तीनों ने उपाय सोचा और क्या किया? कौवे ने चूहे को पीठ पर बिठाया और उड़ गया. थोड़ी ही देर में कौवा चूहे को लेकर हिरन के पास पहुंच गया. किसके पास? हिरन के पास. चूहे ने अपने तेज दांतों से जल्दी ही जाल को काट दिया. अब हिरन जाल से बाहर आ गया. आपको पता है ना, चूहा सब कुछ कुतर देता है. तो चूहे ने क्या किया? उसका जाल को कुतर दिया, काट दिया. जाल से छूटकर हिरन बहुत खुश हुआ. अब खुश हो रहा था क्योंकि वो आजाद हो गया था, पहले फंसा हुआ था. अपनी जान बचाने के लिए उसने कौवे और चूहे का धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने उन दोनों ने उसकी हेल्प की थी, तो उसने उसका धन्यवाद करना था. आप भी करते हो ना, कोई आपकी मदद करता है तो. इतने में उन्हें शिकारी आता हुआ दिखाई दिया. कौन दिखाई दिया? शिकारी. उसे देखते ही हिरन बहुत तेज दौड़ा और जंगल में गायब हो गया. कौवे ने भी चूहे को अपनी पीठ पर बिठाया और हवा में उड़ गया. देखो, हिरन भाग रहा है और कौवे ने क्या किया? चूहे को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ गया, और शिकारी आ रहा था. ठीक है, थोड़ी ही देर में तीनों तालाब के पास पहुंच गए, अपने ठिकाने पहुंच गए, जहां बूढ़ा कछुआ बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था. क्योंकि बूढ़ा कछुआ था, वो बेचारा वहीं रुक गया और उसको टेंशन तो हो रही थी ना, भी मेरे मित्र कैसे छूटे नहीं छूटे.
आपस में मिलकर चारों मित्र बहुत खुश हुए। जब कछुए ने देखा भी हाँ हमारे मित्र आ गए, तो वो सारे आपस में खुश होने लगे। इसलिए बेटा जब भी कोई मित्र या कोई भी मुसीबत में होता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, कल को वो भी हमारे काम आता है। ओके स्टूडेंट, अब आपने ये पार्ट 4 आपस का मेल अच्छे से रीड करना है। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद।